नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल रिलेटेड बात करूँगा, फिर से आंखें खोलना चाहूँगा लोगों की, क्योंकि जिस तरह से मैंने पिछले वीक में जो स्विंग ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च किया और उस पे से मैंने रिस्पॉन्स देखा, तो मुझे समझ में आया कि लोगों का इंटरेस्ट जो है ना, वो जो है वो ऑप्शंस ट्रेडिंग के तरफ बहुत ज़्यादा है। और लोगों ने जो ऑप्शंस ट्रेडिंग का प्रॉफिट दिखाएगा उनको भगवान मान लिया है। अगर कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो जाता है तो उसको लोग भगवान मान लेते, या फिर उनके तरफ लोगों का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग ऐसे भी कर रहे हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते रहते उनको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कुछ ज़्यादा पता भी नहीं होता है। ये भी मुझे एक जानकारी या फिर ऑब्जर्व करने में आई बात, कि जो लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग से जिनकी मुलाकात हुई या फिर जो ऑप्शंस ट्रेडिंग करते आ रहे या वही करते आ रहे, वही देखते आ रहे, उनको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बहुत सी जानकारी होती नहीं है। तो आज इस वीडियो में फिर से आंखें खोलने की और एक सच्चाई जो है वो, जो रोज़ डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करता हूँ, खुद के जो ऑब्जर्व करता हूँ, जो मार्केट में चल रहा है बिहेवियर लोगों का, वो जो ऑब्जर्व करता हूँ, वो वीडियो में, ये वीडियो में पूरा का पूरा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। पहली बार अगर मेरे चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहुँचे, यही मेरी इच्छा होती है। तो वीडियो को शुरू करते, तो सबसे पहली बात कि ऑप्शंस ट्रेडिंग मतलब बर्बादी। आप खुद को ही देख लो, लोगों को छोड़ दो, क्योंकि मैं हमेशा बहुत से वीडियोस में बोलते आया हूँ कि खुद क्या कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी का लड़का या कोई इंजीनियरिंग कर लेता है या फिर चाय बेच के या यूट्यूब पे बहुत इन्फ्लुएंसर बन के करोड़ों रुपए कमा देता है, तो आपका बेटा नहीं कर पाएगा या आप नहीं कर पाओगे। तो सेम ऑप्शन ट्रेडिंग की ये स्टोरी जो है, या फिर सेम ऑप्शन ट्रेडिंग की जो कहानी है, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लोगों को देखते रहते हैं, खुद को नहीं देखते। तो खुद को जब आप देखना शुरू करोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए बना है या नहीं बना है। आप खुद ही देख लो कि आज आप बर्बाद हो या आबाद हो, आपने कितना महीना कमाया है, कितने महीने खोया है, जब से शुरू किया है तब से लॉस ही किए जा रहे हो, या लास्ट मंथ की कहानी देख लो, लास्ट दस दिन की देख लो, लास्ट फाइव डेज़ की देख लो, लास्ट फाइव डेज़ अगर प्रॉफिटेबल भी होगे तो अगला महीना देख लेना, अगले 10 दिन देख लेना क्या होता है आपके साथ। तो ज़रूर मैंने तो कितने वीडियोज़ में बोला है कि मुझे एक ऑप्शन बायर से मिला दो कि जो प्रॉफिटेबल होगा। ये जितने भी वीडियोस लोग बनाते या फिर आपके साथ प्रॉफिट शेयर करते, वो पीएनएल तो शेयर कर देते, बट उसके पीछे की कहानी या फिर वो कर क्या रहे मल्टीपल चीज़ें, वो कोई शेयर नहीं करेगा। एफएनओ कर रहे होंगे तो मल्टीपल चीज़ें करना ज़रूरी है, अगर आप एफएनओ में पैसा कमाना चाहते हो तो। अगर सच में सक्सेसफुल होना ही है कि ठान लिए कि मैं बनूंगा, 10 साल लग जाए या 20 साल लग जाए, मैं ऑप्शन ट्रेडर ही बनूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है बर्बाद करने के लिए या फिर सीखने के लिए, अगर बनना ही चाहते हो तो एक बात याद रखना, मल्टीपल चीज़ें करनी होगी। स्टॉक्स में भी एफएनओ करो, ऑप्शन सेलिंग भी करो और ऑप्शन बाइंग भी करो, क्योंकि इन तीनों में से भी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो डेली बेसिस पे करने लायक है। ऑप्शन बाइंग रोज करने लायक नहीं है, ऑप्शन सेलिंग जो है वो भी रोज करने लायक नहीं है। एक आधे दिन महीने में ऐसा या फिर 2-4 दिन ऐसे आते होंगे ऑप्शन सेलर्स बर्बाद हो जाते होंगे या फिर बड़े बड़े लॉसेस में चले जाते होंगे, जितना महीने भर कमाया उसमें से गवा देते होंगे। तो ऑप्शन सेलिंग भी हर रोज़ करने की चीज़ नहीं है, ऑप्शन बाइंग भी नहीं है, और स्टॉक्स में भी ट्रेड करने के लिए डेली वाली चीज़ नहीं है। मल्टीपल चीज़ें अगर करना चाहते हो तो आपके लिए एफएनओ चीज़ है। अगर स्पेसिफिक सिर्फ ऑप्शन बाइंग को ही पकड़ के बैठे होंगे तो आपके लिए नहीं है। ऑप्शन सेलिंग करते होंगे तो फिर भी आपके लिए नहीं, आप बड़ा अमाउंट ग्रो नहीं कर पाओगे और वो एक दिन आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, जिस दिन बहुत बड़ा मुंह आता है उस दिन ऑप्शन सेलर को पूछ लेना क्या होता है। तो चीज़ें मल्टीपल करनी पड़ेगी एफएनओ में ही, अगर आपको एफएनओ में ही ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर ऑप्शंस में ही अगर कुछ करना है तो। बट रियलिटी है कि मैक्सिमम लोग जो है वो कम कैपिटल वाले,
जिनके पास 10-20 लाख से भी कम कैपिटल है, 10-20 लाख का लॉस कर चुके, बट 10-10, 20-20 हज़ार, 1 लाख रुपए महीने के, ऐसा करते करते उनका लॉस बड़ा हो चुका है, बट एट द सेम टाइम उनके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, इसलिए मल्टीपल चीज़ें कर नहीं पाते। आप खुद एक्सपीरियंस कर लेना, जब आप 1 लाख रुपए लेके अगर बैठते हो तो पूरे के पूरे आप 1 लाख रुपए उसमें पूरे ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा देते हो, यानी बाइंग में लगा देते हो, और जब उसमें से लॉस होता है तो लॉस कवर करने के चक्कर में आपके पास कैपिटल ही नहीं बचता है। आप बोलते हो कि अभी मुझे 50,000 का लॉस हो गया, मैं अगले ट्रेड में कवर कर लूँगा, मल्टीपल उस दिन ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, और जब अच्छा खासा मूव आता है लास्ट के एंडिंग में, डे के एंडिंग में, तब आपके पास कैपिटल ही नहीं बचती है। वो टाइप की जो क्वांटिटी आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्रेड में ली थी, वही क्वांटिटी अगर आप लास्ट ट्रेड में भी ले पा रहे हो, यानी आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है और आप मनी मैनेजमेंट कर पा रहे हो, बट आम इंसान के पास ये कैपिटल ही नहीं बचती और वो बर्बाद हो जाता है, उसका उसका अकाउंट ही खाली हो जाता है। तो बहुत से लोग तो कहते ही आ रहे हैं, सेबी का डेटा कहते आ रहा है, बहुत से लोगों ने भी बोल दिया, और मेरा बोलना तो यह है कि मजदूरी कर लो कहीं पे, वो अच्छी है ऑप्शन ट्रेडिंग करने से अच्छा, जो कम कैपिटल वाले। बहुत से यंग जनरेशन इसमें आ रही है, नए नए 12th पास हुए हुए लड़के आ रहे हैं, और उनके दिमाग में बस ऑप्शन ट्रेडिंग ही दिख रहा है, मैं इंजीनियरिंग नहीं पढ़ूंगा बोल रहे हैं, मैं ट्रेडिंग ही करूंगा, पैसा दिख रहा है लोगों को। पैसा कहाँ पर है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में। भारत जो है वो ग्रो कर रहा है और आगे भी करेगा, आने वाले 10 साल भारत के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पैसा है, SIP में पैसा है, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग में पैसा है, स्टॉक्स में पैसा है, मीन्स स्विंग ट्रेडिंग यानी स्टॉक्स में पैसा है, वो छोड़ के लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। और कुछ कुछ लोग घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा पेरेंट्स अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो उनको बोलना है कि आपके बच्चे को एक लिमिट तक सपोर्ट कीजिए, कि वो ऑप्शन ट्रेडिंग में हर महीने आप अगर देना भी चाहते हो तो एक लिमिटेड अमाउंट दीजिए, कि 10,000-20,000 एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कि आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं हर महीना जाने के लिए, उतना दिए कि 20,000 दे दिए तो अब इस महीने आपको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा आप अपने बच्चों को कीजिए, या फिर जो खुद भी करते होंगे वो भी एक ऐसा अमाउंट तय कीजिए, अगर करना भी चाहते हो, कर ही रहे हो तो, और रिजल्ट तो आपके सामने ही होगा, कितने सालों से कर रहे होगे या कितने दिनों से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। बहुत से बड़े बड़े लोग तो कह के गए, राकेश झुनझुनवाला जी ने भी स्टॉक में ही पैसा कमाया, ना कि ऑप्शंस में। एक बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पैसे मैनेज कर लो, ये मेरा पैसा ले लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, सब बड़े बड़े लोग, इतना अगर पैसा होता ऑप्शन ट्रेडिंग में और इतना सब कुछ होता तो क्यों ये बड़े बड़े लोग अदर बिजनेस चलाते, सब कुछ बंद करके सब यही ना कर रहे होते, या बड़े लोगों का हायर नहीं कर लेते जो ऑप्शन बायर से या ट्रेडर से। तो ये रियलिटी बात चारों तरफ से लोग सोचते नहीं हैं, बस करते रहते। आप पैसे कमा सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि नहीं, बट बहुत गिने चुने लोगों में आपको आना पड़ेगा जिसके पास बड़ा कैपिटल है और मल्टीपल इनकम सोर्स है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है उसके लिए मल्टीपल इनकम सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होती है ना, तो आपका लॉस भी होता है तो आपके पास मेंटल प्रेशर आपके ऊपर नहीं आता है, आपका माइंडसेट अच्छा बना रहता है पॉजिटिव, आप मार्केट में टिकने के लिए और पॉजिटिव माइंडसेट आप रख सकते हो, कि ठीक है एक स्पेसिफिक अमाउंट मेरी हर महीने आ रही है तो मैं सीखने के लिए इतनी अमाउंट दे रहा हूँ। क्योंकि जब अमाउंट ही एकदम लिमिटेड है और आप जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो बड़ा कैपिटल तो यूज़ नहीं करोगे, और बड़ा कैपिटल यूज़ नहीं करोगे तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। बड़ा कैपिटल यूज़ करने के फ़ायदे ये है कि आप मल्टीपल चीज़ें कर पाओगे। आज कोई स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है, जैसे अभी M&M ने ब्रेकआउट दिया, या फिर ऐसे बहुत से स्टॉक है, जैसे टाटा स्टील ने ब्रेकआउट दिया, तो ऐसे बहुत से स्टॉक है जो ब्रेकआउट देके बहुत अच्छी खासी रैली दिखा रहे हैं। ये स्टॉक्स में आप जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते या उसका कॉल पुट अगर लेते तो आपके वहाँ पर ऐसे बनते, बट ये स्टॉक्स के ऑप्शंस भी लोग अवॉइड करके सिर्फ बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी के पीछे ही पड़े, जो एक्सपायरीज है उनके पीछे ही पड़े, हीरोज हीरो करने के पीछे ही पड़े। तो मल्टीपल चीज़ें जब करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि पैसा बनता है, बट मल्टीपल चीज़ें करने के लिए चाहिए अमाउंट, और वो मल्टीपल यानी मैक्सिमम लोगों के पास है ही नहीं, वो आम आदमी के पास है ही नहीं। तो कितना भी कर लीजिए, ये कि हर वीडियो में बता चुका हूँ, बट एक ऑब्जर्वेशन मेरा ये रहा है कि जब से मैंने स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स लॉन्च किया था, वो कोर्स लॉन्च करने के बाद मुझे एक समझ में आया है कि लोगों को स्विंग ट्रेडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होता यार, वहाँ पे अगर मेरा PNL शेयर करता हर मंथली का,
तो लोग वहाँ पे मुझे भगवान मान लेते, या फिर लोगों का मेरे तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो ऐसा नहीं है, बट ये एक रियलिटी वाली बात बता रहा हूँ कि खुद जो ऑब्जर्व किया है मैंने। बट स्विंग ट्रेडिंग में बहुत से लोग पूछते हैं बनता है या नहीं, सच में बनता है या बुल रन चालू है अभी या वो, ऐसे बहुत से स्ट्रैटेजीज मैंने पर्सनली जो यूज़ करता हूँ वो शेयर किए। आज भी दो स्ट्रैटेजी या आज या कल में दो स्ट्रैटेजीज और वो स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में डाल दूंगा जो बहुत अच्छे लगे मुझे और पर्टिकुलरली बहुत अच्छे रिजल्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। तो वो भी ऐड हो जाएंगे और दो स्ट्रैटेजीज उसमें नई न्यू, ठीक है। ये तो रही कोर्स की बात, ठीक है, ये अवॉइड कर दीजिए। बट अभी भी अगर आप सुन रहे होंगे और ये वीडियो तक अभी तक देख रहे होंगे, तो सच में मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि लिमिटेड अमाउंट में ट्रेड कीजिए, किसी और का प्रॉफिट या किसी और को मत देखिए। खुद की गलतियाँ कहाँ होती है खुद से पूछिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कोई गेम है तो वो रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। अगर रिस्क रिवॉर्ड भी अगर ठीक से आपने मेंटेन कर लिया हर ट्रेड में, सिर्फ हर ट्रेड में रिस्क टू रिवॉर्ड भी मेंटेन कर लिया या फिर क्वांटिटी भी मेंटेन कर ली, तो आप जो है वो प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बट कितना भी बोल दूँ, कितना भी वीडियोस आ जाएंगे, कितने भी स्ट्रैटेजीज आ जाएंगे, बट लोग जो है वो जब लॉस हो जाता है ना, वो लॉस के बाद ही सुधरेंगे, ठीक है। तो आपकी इच्छा, बट एक आई ओपनिंग वीडियो लेके आने की मैं कोशिश करते रहता हूँ बहुत से, अगर दो तीन महीने हो जाते हैं तो। आपने देखा होगा जो मेरे चैनल पे है सब्सक्राइबर्स, वो देखते होंगे कि जो भी मेरे वीडियोस है उसमें मैं एक साइकोलॉजिकल वीडियोस डालते ही हूँ महीने दो महीने में, उन लोगों के लिए, क्योंकि जो ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि खुद मैंने जब लॉसेस किए थे एकदम जब मैं बिगनर था, तब इस जो पूरा ये जो स्ट्रगल होता है या फिर ये जो पीरियड होता है, वो पीरियड से मैं गया हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि घर का वातावरण क्या होता है, खुद पे क्या बीतती है। हमारा पैसा जब जाता है, हम जब 10,000 भी चले जाते हैं ना, तो खुद सोचते हैं कि ये 10,000 में ये घर की ये चीज़ हो जाती, या मैं खुद के लिए ये चीज़ खरीद लेता या ये काम इससे कर लेता तो अच्छा होता। बट वो सिर्फ जाने के बाद ही समझता है। मंडे को जब मार्केट खुलता है तो वापस से आपको लगेगा कि आज गिरने वाला है या आज ऊपर जाने वाला है, तो मैं वापस से ऐड कर देता हूँ पैसे और वापस करता हूँ। कितने पे ऐड कर लीजिए वो जाएंगे ही। ऑप्शंस ट्रेडिंग में सिर्फ वही लोग पैसा कमा सकते जिनके पास मल्टीपल इनकम सोर्स हो और जिनके पास मल्टीपल चीज़ें करने के लिए पैसा हो। क्योंकि जब मल्टीपल चीज़ें करेंगे आप, ऑप्शन बाइंग ही छोड़ के दोनों भी करोगे, ऑप्शन सेलिंग भी करोगे, बाइंग भी करोगे, स्टॉक्स में भी करोगे, इंडेक्स में भी करोगे, तभी आप जो है वो उससे कुछ ना कुछ अमाउंट कमा पाओगे। बट स्टॉक्स अगर आप करते होंगे तो कुछ दिन के लिए भी करके देखा होगा तो आपको ग्रीन दिखा होगा, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो जो कुछ मैसेज देना था या कुछ जो भी कुछ बताना था वो इस वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी अगर किसी को लगता है कि कुछ बताना चाहते हो, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो बनाया, इसका जो टाइटल देख रहे होंगे, थंबनेल देख रहे होंगे आप, ये एक जन ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, वो कमेंट से ही इंस्पायर्ड होके मैंने, नीलेश जी उनका नाम है, नीलेश जी ने ये कुछ दिन पहले मेरे एक वीडियो पे कमेंट की थी, तो वो कमेंट से ही मैंने ये थंबनेल, इंस्पायर्ड होके ही मैंने ये थंबनेल बनाया या नाम दिया है। तो और वो कमेंट ऐसी थी कि ऑप्शंस ट्रेडिंग मतलब बर्बादी, तो वही सच है वो नीलेश जी जो कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा इसीलिए वो कह रहे हैं। तो सच में मजदूरी कर लीजिए, बट ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहिए। मल्टीपल चीज़ें हैं, मल्टीपल चीज़ें करके आप पैसे कमा सकते हैं मार्केट से, उसके तरफ भी फोकस कीजिए, या फिर ऑप्शन सेलिंग या स्टॉक ऑप्शंस भी ट्राई करके देखिए, सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही मत कीजिए। और ये रियलिटी, जब तक आप कुछ बड़ा लॉस या खो नहीं दोगे तब तक ये आप समझोगे नहीं। इसलिए मेरा बोलना यही है, रिक्वेस्ट यही है कि मल्टीपल चीज़ें कीजिए। स्टॉक्स में बहुत भी पैसा बनता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बनता है, SIP में भी बनता है, बहुत सी चीज़ें, ठीक है। तो आशा करता हूँ कुछ समझ में आई होगी फिर से बात, क्योंकि एक ही बात अगर कोई बार बार बताता है ना, तो कभी ना कभी वो चीज़ का एहसास होता है। और मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि लोगों तक ये रियलिटी वाली बात और ये प्रयास मेरा जो है वो पहुँचे, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो है वो एक ही वीडियो का आए हैं, 5 लाख के ऊपर, 5.5 लाख के ऊपर व्यूज़ हो रहे हैं। तो वो वीडियो में मैंने जो बात बताई थी वो बहुत लोगों को पसंद आई थी, तो इसीलिए मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि जो रियलिटी वाली बात है ना
वो दिल से निकली थी वो वीडियो में बात, और वही बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, जिससे मैक्सिमम लोग जो है वो अवेयरनेस फैले या लोगों को समझ में आए कि मार्केट में सच में कहाँ पैसा है, ना कि सिर्फ अट्रैक्ट होकर लोग करते रहे, क्योंकि हर कोई जो है वो नहीं कर सकता, ठीक है, उसके लिए कुछ डिपेंड करती है चीज़ें, ठीक है। जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते होंगे या फिर और थोड़ा सा सीखना चाहते होंगे, तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्विंग ट्रेडिंग कोर्स की, वहाँ से आप मिनिमम कॉस्ट में जो है वो बाय कर सकते। 13 वीडियोस आपको मिलेंगे, पूरा बेसिक टू एडवांस है, और दो वीडियोस यानी और एक या दो वीडियोस में उसमें यानी दो स्ट्रैटेजीज उसमें मैं ऐड करने की आज या कल कोशिश करूँगा, वो और भी दो स्ट्रैटेजीज ऐड हो जाएंगे। सिंपल स्ट्रैटेजीज है, कोई भी यूज़ कर सकता है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो कोर्स और बाय कर सकते हो। वहाँ से आप एक कंसिस्टेंट इनकम ज़रूर कमा पाओगे जब आप कोर्स की सब जो भी मैंने बताया वो सब फॉलो करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे तो आपका मंथली इनकम कुछ ना कुछ ग्रीन दिखेगा ही, एटलीस्ट 500-1000 रुपये तो भी दिखेगा, ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग के जैसा पूरा कैपिटल आप उड़ा दोगे, ठीक है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग का बेनिफिट है, ठीक है। बाकी कुछ होगा तो कमेंट कर सकते हो, कुछ डाउट होगा तो, या कुछ पूछना चाहते होगे तो, या कुछ, ठीक है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।